किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, आपस में प्रेम बनाए रखिए, भगवान तो आपको स्वयं मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक नास्तिक इंसान की कहानी सुनाता हूं, जिसका भगवान में रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। इनफैक्ट वो जहां भी जाता था लोगों से यही कहता था कि भगवान नहीं होते हैं, क्या तुम बार बार भगवान भगवान करते हो, अपना काम खुद को ही करना पड़ता है, भगवान नहीं आते हैं। वो हमेशा जो है यही बातें कहता रहता था, डिबेट करता रहता था लोगों से। एक दिन वो कहीं जा रहा था बाइक से, सड़क किनारे उसका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, घायल पड़ा हुआ था जमीन पर। और कलयुग का जमाना, यहां लोग कहां एक दूसरे की मदद करते हैं। वो पुकार रहा था लोगों से कि आ जाओ मेरी मदद कर दो, कोई आ ही नहीं रहा था। लोग उसकी फोटो खींचकर वीडियो बनाकर आगे बढ़ जा रहे थे। और जब उसे लगा कि कोई मेरी मदद के लिए आ नहीं रहा है, तो उस नास्तिक इंसान ने भी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। बस एक बार उसने मन में कहा है, कन्हैया आप ही आकर के संभाल लो। थोड़ी देर के बाद में वहां से एक सब्जी वाला गुजरा और उसने देखा कि घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है सड़क किनारे, तो उसको उठाया, उसको अस्पताल पहुंचाया, उसके घर पर कॉल किया, घर वालों को बुलाया, कहा साहब आपका ये जो परिचित है, आपके सदस्य परिवार का यहां भर्ती हो गया है। घर वाले आए तो कहा मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है। घर वालों ने नाम पूछा, नाम तो बता जाओ भैया, क्या करते हो? बोले सब्जी बेचता हूं, नाम मेरा बांके बिहारी है। घर वालों ने कहा आपका पता लिखवा जाओ, जब ये ठीक हो जाएंगे तो इनको लेकर आएंगे आपसे मिलवाने के लिए, आपको कम से कम धन्यवाद तो करें। वो आदमी अपना पता लिखवा करके चला गया। यहां ये नास्तिक आदमी अस्पताल में धीरे धीरे ठीक होने लगा और कहने लगा लोगों से वही बात जो कहता आया था कि देखो भगवान कुछ नहीं होते, मैंने भी एक बार पुकारा था, भगवान नहीं आया, एक सब्जी वाला आया था और उसने आकर के मुझे यहां तक पहुंचा दिया। भगवान को पुकारा था, भगवान को आना चाहिए था, भगवान तो आई नहीं। वो हर किसी को ये कह रहा था, लोग कह रहे थे नहीं भगवान ने उसको भेजा हुआ। बोले नहीं नहीं भगवान ने भेजा भेजा नहीं, वो तो खुद निकल रहा था, बेचारा ठीक आदमी था इसलिए मेरी मदद कर गया। इसके घर वालों ने उसे कहा आप ठीक हो गए हो तो एक काम करते हैं, हमने उसे वादा किया था उस सब्जी वाले को कि आपसे मिलवाने के लिए जरूर लाएंगे इनको, तो चलते हैं ना उसके घर पर एक बार, उसने पता भी लिखवाया हुआ है। तो जो पता लिखवाया हुआ था उस पते पर वो सब्जी वाले से मिलने के लिए जो नास्तिक व्यक्ति था और उसका परिवार था सब पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं कि वहां कोई घर है ही नहीं, वहां तो एक बड़ा सा मंदिर था। मंदिर के पुजारी से पूछा कि आसपास यहां कोई बांके बिहारी रहता है? पुजारी ने इशारा किया मंदिर में अंदर जो मूर्ति थी उसकी तरफ और कहा कि यही है एकमात्र बांके बिहारी, और तो कोई यहां इस नाम से नहीं है। उस नास्तिक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, जमीन पर गिर गया, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहने लगा भगवान मैं मूर्ख दुनिया को यही कहता रहा कि आपने किसी को भेज दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब्जी वाले का दिल अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि सब्जी वाला बनकर आप स्वयं आ गए थे, मेरी इन आंखों से मैं देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैंने सिर्फ एक बार पुकारा, जीवन भर आपकी बुराई करता रहा, सिर्फ एक बार पुकारा और आप एक पुकार पर चले आए। वहां से जब वो नास्तिक व्यक्ति निकला ना मंदिर से बाहर, तो बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इंसानों को एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए, आपस में प्रेम बनाकर रखो, मैं तो तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि प्रेम तो बनाए रखिए, साथ ही ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जब वो एक पुकार पर आ सकते हैं तो अगर आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाए, आपकी श्रद्धा अटूट हो जाए, तो आपके सारे काम होते चले जाएंगे। बस भरोसा बनाए रखिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।